तो वेल कैसे हो मेरे प्यारे भालो। यार उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया ही होंगे एंड आगे भी बढ़िया आ चुका हूँ आपके लिए लेकर के एक नई कलेक्शन इंक्रीज के ऊपर वीडियो लेकर के। सुवेल कैसे फ्री फायर को इतने मिलियंस ऑफ पीपल्स खेलते हैं लेकिन कैसे हर बंदे का एक तो ड्रीम होता है कि कैसे उसकी वॉल्ट में इतने सारा कलेक्शन हो जाए, इतना सारा कलेक्शन हो जाए किसी ने सोची ना होगी। और उसी के साथ वो खुद कंफ्यूज हो जाए कि आखिर वो कौन कौन सा आइटम यूज करे अपने गेमप्ले में जाने के लिए। अब क्या करे यार, फ्री फायर का नाम ही फ्री है, उसमें कैसे आपको बहुत ही कम चीज होती है जो कि फ्री में देखने के लिए मिलती है। मैक्सिमम आइटम्स पेड ही होते हैं एंड अगर आप इतने पैसे वेस्ट करोगे गेम में तो किसी आपका कलेक्शन कैसे ही बढ़ पाएगा। इधर हम कुछ टिप्स की बात करने वाले हैं जिसकी हेल्प से किसी आप जो कलेक्शन है उसे बढ़ा सकते हो एंड बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो एंड बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो बस देरी किस बात की है, आराम से कमर टिका के बैठ जाओ एंड जाके फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ऐसी टिप फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए वो भी सबसे पहले। तो चलो यार प्रमोशन तो बहुत हो गया, अब फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। After a second of intro, कैसे फटाक से शुरू करते हैं अपने टिप नंबर 1 को बोलते हैं। तो कैसे ये वाली जो टिप है ये कैसे पेड वाले बंदों के लिए, यानी कैसे जो हल्के बहुत पैसे लगा सकते हैं गेम में ये कैसे उनके लिए है। क्योंकि कैसे अगर आपको कलेक्शन बनाना है तो कैसे आपको थोड़े तो पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर किसी बंदे की कैपेसिटी है पे करने की तो वो इस वाली टिप को देख सकता है, बाकी कैसे जिसकी नहीं है वो आगे वाली टिप पे बढ़ जाओ। तो कैसे बात कर लेते हैं इस वाली टिप की जिसमें आप पे कर सकते हो। अगर आप गेम में पैसे लगा सकते हो तो सबसे मेन चीज है कैसे आपको कभी भी टॉप अप नहीं करना है। टॉप अप तो पहली बात बहुत महंगा होता है एंड कैसे अगर आप टॉप अप कर ले टॉप अप वाले आइटम्स के लिए तो उसके लिए भी टॉप अप मत करो, क्योंकि टॉप अप वाले आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि रैंडम बन जाते हैं। क्योंकि टॉप अप के आइटम जो है रिटर्न में भी आ जाते हैं एंड कि मैक्सिमम जो टॉप अप के आइटम्स होते हैं वो कैसे ऐसे होते हैं जो कि आपको स्टोर में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो क्या कर सकते हो कैसे टॉप अप वाले आइटम की जगह कैसे आपको ले लेने ड्रॉप्स एयर ड्रॉप्स जो कि किसी आपको देखने के मिल जाते हैं अपने फ्री फायर में एंड कि ड्रॉप भी मैक्सिमम 300 डायमंड का तो होने ही चाहिए, उससे नीचे मिलोगे तो आपका घाटा रहेगा जो कि आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। मैक्सिमम अगर आप एयर ड्रॉप ले भी रहे हो तो कैसे 90 रुपए से ज्यादा का तो लेना है। जब आप एयर ड्रॉप ले लो तो कैसे एयर ड्रॉप के काफी सारे बंदे क्या करते हैं पैसों को वेस्ट करते हैं, फेड व्हील में लगा देंगे, रेवन रॉयल में लगा देंगे, डायमंड रॉयल में लगा देंगे, आपके स्टोर में लगा देंगे। बात तो यार आप खुद भी समझ सकते हो कि किसे अगर आप किसी भी इवेंट में पैसे लगाते हो तो कैसे फ्री फायर इतने महंगे प्री प्रोग्राम इवेंट देता है कि उसमें कम से कम कैसे आपके 5000 डायमंड फूकने हैं एंड इतने डायमंड आपको एयर ड्रॉप में तो मिलने हैं। एंड अगर हम स्टोर के आइटम्स की बात करें तो कैसे स्टोर के आइटम एकदम आपको रिटेल प्राइस में देखने के लिए मिलेंगे। तो कैसे अगर आप क्या कर सकते हो, जब भी कैसे मिस्ट्री शॉप आए, लेवल अप पास आए, ऐसे जो भी फ्री डिस्काउंट वाले इवेंट आए कैसे आपको जो भी आइटम ले रहा है उसमें से लो यार, उसमें आपको स्टोर का आइटम भी मिलेगा, स्टोर से हट के आइटम भी मिलेगा। एमवी से आपको ये फायदा रहेगा कि वो आपको सस्ते में मिलेगा एंड आपके पास आइटम भी बढ़ते जाएंगे। ऐसे करके कैसे आप पे कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, कैसे आपका जो कलेक्शन है वो बढ़ेगा एंड आपके पैसे भी बहुत कम जाने वाले हैं। बस आपको क्या करके रखना है टेम्पर। जैसे बहुत सारे बंदों की आदत होती है आईडी में डायमंड देखे नहीं, वो कैसे सोचता है बस इसे कहीं ना कहीं पे उड़ाना है। तो कैसे ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिस दिन कैसे आपने अपने टेम्पर पे कंट्रोल कर लिया उस दिन कैसे आपका जो कलेक्शन है वो भी एकदम बढ़िया हो जाने वाला है, आपके जो डायमंड है वो भी एकदम सही जगह इन्वेस्ट होगा। बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 2 की। तो कैसे ट्रिक नंबर 2 है कैसे कैसे आप फ्री में अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हो। तो कैसे फ्री में कलेक्शन बढ़ाने का सिर्फ एक ही ट्रिक है, फ्री के इवेंट्स क्लेम करना। आपको कैसे फ्री फायर में डेली टू डेली अपडेट रहना है, भले कैसे गेम ना खेलो, आना है सारे सारे इवेंट चेक करने हैं, जो भी क्लेम करना है वो क्लेम करना है एंड जो भी थोड़े बहुत जो आपको टास्क होते हैं डेली वो आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद जो भी आपके इवेंट होते हैं उसे कैश करके पूरा करना है। जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात कही इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कैसे आपको डेली लॉग इन करना है फ्री फायर को एंड आपके डेली टू डेली जो भी फ्री के इवेंट्स होते हैं वो आपको क्लेम कर लेने हैं, उनसे जो भी आइटम मिलता है उनको भी क्लेम कर लेना है। बहुत बड़ा स्टेप है आपके कलेक्शन को बढ़ाने में, भले कैसे उन वाले बंडल्स को पहनना मत लेकिन कैसे अगर वो आपके कलेक्शन में रहेंगे तो कैसे आपका जो कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा। बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। तो कैसे टिप नंबर 3 है आपके वाउचर से रिलेटेड। तो कैसे आपको फ्री फायर में बहुत तरीके के वाउचर देखने के लिए मिल जाए, रॉयल वो रॉयल ऐसे वाउचर उसके वाउचर। तो कैसे आपको क्या करना है, आपके वेपन रॉयल एंड आपके गोल्ड डायमंड रॉयल एंड उसी के साथ आपके गोल्ड रॉयल एंड उसी के साथ आपके इंक्यूबेटर रॉयल, क्या आपको दो तरीके के वाउचर देखने के लिए मिलते हैं यार। एक तो होता है आपका टाइम लाइन का, यानी कि इस टाइम लाइन के बाद ये वाउचर बेकार हो जाएगा, एंड एक होता है इनफाइनाइट टाइम का, यानी कि कभी बेकार ही नहीं होगा। तो कैसे आपको वो इनफाइनाइट वाले जो वाउचर्स होते हैं वो कैसे आपको कभी भी वेस्ट नहीं करने, वो आपको अपने पास रखने हैं एंड जो ग्रीन अपने पास से देता है टाइम लाइन वाले कैसे उनको आपको यूज कर लेना है, क्योंकि एक टाइम के बाद जाके बेकार हो जाएगा। ये होगा कैसे आप जो वो टाइम लाइन इनफाइनाइट टाइम लाइन वाले जो वाउचर्स रखोगे वो तो कैसे आपका कलेक्शन बढ़ाएगी ही एंड किधर कभी कोई बहुत अच्छा रॉयल आ जाता है तो कैसे आप उसमें जितने चाहो उतने इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास
इतने सारे हो जाएंगे वाउचर्स के, आप कोई सा भी आइटम रॉयल में से बहुत इजीली निकाल सकते हो। अगर हम बात करें टिप नंबर 4 की, तो टिप नंबर 4 होने वाली है कैसे गाइस, कैसे आप अपने आईडी के क्रेट्स कलेक्शन बढ़ा सकते हो। जब आप फ्री फायर गेम में एंटर करते हो तो आपको एंटर करने के बाद आपको अपने स्टोर में जाना होता है एंड वहां पे आपको एक फ्री की डेली क्रेट देखने को मिलती है जो कि ऑफ होती है एंड जब आप चाहो उसे ओपन करके उसके अंदर से आइटम्स निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, वो वाली क्रेट कभी ओपन ही मत करना क्योंकि उसमें आइटम भी छोटे मोटे होते हैं, आइटम्स का कोई फायदा भी नहीं होता। तो वो आपको बचा के रखना है। उसके बाद जब भी आपके मतलब आपको यूज पड़े, आपको लगे कि अब मुझे निकालना है, तो आप सारे के सारे एक साथ खोल सकते हो। आप कैसे करके बहुत सारी क्रेट हो जाएंगी, आपका क्रेट सेक्शन खुल जाएगा, आपके में क्रेट सेक्शन में आइटम्स हो जाएंगे, तो ऐसे करके आपका कलेक्शन जो है वो बढ़ेगा। इसी तरह फ्री फायर आपको जो भी क्रेट प्रोवाइड करता है आपको वो क्रेट ओपन नहीं करनी है, आपको बचा के रखनी है क्योंकि क्रेट में मैक्सिमम आइटम 7-8 दिन के लिए निकलते हैं और जहां तक वो आइटम कोई पहनना भी नहीं चाहता। तो इससे बढ़िया आप उसे अपने क्रेट सेक्शन में रखो, अपने कलेक्शन बढ़ाओ, क्रेट का सेक्शन बढ़ाओ एंड ऐसे करके आपका कलेक्शन भी बढ़ेगा एंड आपकी आईडी अच्छी लगने लगेगी। उसी के साथ अगर हम बात करें, अगर आपको फ्री फायर से कोई भी बंडल मिलता है तो वो बंडल एक क्रेट के अंदर होता है एंड फिर उसके बाद आप क्रेट खोल के उस बंडल को निकाल सकते हो। तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा आप कभी क्रेट खोलना ही मत, अगर आप वो क्रेट नहीं खोलते हो तो वो क्रेट आपके क्रेट सेक्शन में रहेगी, बंडल सेक्शन में रहेगी एंड उससे आपका बंडल सेक्शन अनलॉक हो जाएगा एंड जब आपका बंडल सेक्शन अनलॉक हो जाएगा तो उसमें क्रेट्स रखी हुई अच्छी भी लगेगी। सबसे बड़ा सजेशन रहेगा फीमेल बंडल्स का, तो फीमेल कैरेक्टर बहुत ही कम बंद होते हैं जो कि यूज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो फीमेल के जो बंडल्स होते हैं उन्हें आप उसमें छोड़ सकते हो, उससे क्या होगा आपका बंडल सेक्शन अनलॉक हो जाएगा एंड अगर आप क्रेट भी खोलते हो तो उससे क्या ही फायदा रहता है यार, वो आपके वॉल्ट में पड़े रहते हैं एंड वो दिखते भी नहीं क्योंकि मैक्सिमम बंदे मेल कैरेक्टर ही यूज करते हैं। आप ऐसा हर बंडल के साथ कर सकते हो यार, जो भी बंडल आपने निकाला है वो उसी में रहने दो एंड जब आपको उस बंडल की जरूरत है तब आप उसे खोल सकते हो, वरना तब तक वो उसमें रहेगा एंड इससे आपका कलेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ। अगर कोई बंडल ऐसा है जिसको आपने ये सोच के निकाला है कि मैं इससे ये वाला ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाना ही बनाना है, तो आप उस वाले बंडल को खोल सकते हो क्योंकि वो आपने बनाना ही बनाना है, उसके साथ एक ड्रेस कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं आज की इस वाले वीडियो के बोनस टिप की, यानी कि आपकी टिप नंबर 5 या फिर बोनस टिप नंबर 1 की। ये टिप बस इतनी है कि मैंने आपको जितनी भी टिप्स बताई हैं आपको सारी की सारी टिप A to Z लेकर के सभी की सब फॉलो कर लेनी है। उसी के साथ आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपको मैक्सिमम फ्री के इवेंट्स उड़ाने ही उड़ाने हैं यार। आप जितने ज्यादा फ्री के इवेंट्स उड़ा सकते हो उतने ज्यादा आपको फ्री के इवेंट्स उड़ाने, उससे क्या होगा यार आपका जो कलेक्शन है वो बहुत से ज्यादा से भी ज्यादा बढ़ेगा एंड उसमें आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। लेकिन जो बंदा एयरड्रॉप बाय कर सकता है तो मैं उससे यही कहूंगा यार, जो भी सेल वाली आपकी शॉप आती है उसमें सबसे पहले वो इलाइट पास बाय कर लेगी। अगर तुम इलाइट पास बाय कर लोगे तो तुम्हें सबसे पहली बात तो इलाइट पास से कम 50-60 आइटम्स होते हैं जो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएंगे, या फिर कह सकते हो 500 डायमंड्स। 500 डायमंड के अंदर आपको 50 आइटम्स मिल जाएंगे, उससे आपका इलाइट पास का रिकॉर्ड भी बढ़ेगा, आपके इलाइट पास गोल्डन भी होते जाएंगे एंड इसके चक्कर में आप अपने बैजेस भी बढ़ा लोगे एंड जब आप बैजेस बढ़ाओगे तो आपकी रैंक भी बढ़ सकती है। तो वेल आज की वाली वीडियोस यहीं पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ कि सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड जहाँ तक अगर अभी तक के देख रहे हो एंड मेरी बकवास सुन रहे हो तो आपको पसंद आ ही रही होगी। जहाँ तक जितने भी टिप्स हैं अगर आपके कलेक्शन बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं तो आपको क्या करना है, सारी की सारी टिप्स को फॉलो कर लेना है, इस वाली वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड हो सके तो अपने किसी और बंदे को जिसको कलेक्शन बढ़ाना हो उसको ये वाली वीडियो शेयर कर देनी है। आते हैं कल को एक और नई टिप फुल वीडियो लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड बाय।